हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चिंकू एंड द चिक्स, आपके इंग्लिश रीडर का जो चैप्टर है, पर हम यहाँ इंग्लिश प्रैक्टिस बुक में से उसका पेज करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने ये वाला पेज आपके साथ डिस्कस किया था, पेज नंबर 21, चिंटू एंड द चिक्स। ये आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें क्लियरली एक्सप्लेन्ड है। तो आज हम ये पेज नंबर 22 करेंगे। तो यहाँ लिखा है मेक अ साउंड चेन बाय राइटिंग टू राइम्स, राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच वर्ड। हमें ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके हमने यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। राइमिंग वर्ड्स हमने इस बॉक्स में से ढूंढ कर लिखने हैं, अपने आप से नहीं लिखते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है डिच। डिच का मतलब क्या होता है? डिच का मतलब होता है कभी जब हम किसी को धोखा देते हैं, DITCH, डिच। पीछे आ जाते हैं CH साउंड वर्ड्स, तो डिच का हम यहाँ पे लिखेंगे, एक तो आएगा पिच, PITCH, पिच। और नेक्स्ट राइमिंग वर्ड है यहाँ पे पिच के साथ ही आएगा हमारा, ये आएगा रिच, यहाँ पे आएगा RICH, रिच। तो डिच का राइमिंग वर्ड क्या हुआ? पिच एंड रिच। नेक्स्ट हमारा है, ये हमारा हो गया डिच। नेक्स्ट हमें दिया हुआ टीच, TEACH, टीच। तो टीच का आएगा हमारा रीच, REACH, रीच। कहीं जगह पर पहुंचना, टीच का मतलब होता है पढ़ाना, और रीच का मतलब होता है किसी जगह पर पहुंचना। और प्रीच, प्रीच होता है जैसे सत्संग होता है ना, उसको हम बोलते हैं प्रीच। किसी किसी धार्मिक चीज़ पर कोई चीज़ भाषण देना, कोई धार्मिक ग्राउंड पर कोई भाषण देना, प्रीच करना, धार्मिक किसी टॉपिक पर बोलना। देन आ गया हमारा मंच। मंच चॉकलेट तो सभी ने खाई है, पर मंच का मतलब पता है? मंच का मतलब होता है जब आप बड़े लेयरली आरामदायक मूड में मुंह में कुछ चबा रहे हैं, खा रहे हैं, उसको हम बोलेंगे मंच करना। तो मंच का यहाँ पे राइमिंग वर्ड आएगा, इट इज़ क्रंच एंड लंच। लंच क्या होता है? दोपहर के खाने को हम बोलते हैं लंच। और क्रंच क्या होता है? जिसमें क्रंचीनेस, जो क्रिस्पीनेस हो, जब आप वेफर खाते हो ना तो उसमें भी क्रंचीनेस होती है ना, उसको बोलते हैं कुरकुरापन, क्रंचीनेस, CRUNCH। तो इसके साथ साथ देखिए हमने मीनिंग्स भी कर लिए ना सभी वर्ड्स के। तो यहाँ आ गया लास्ट इज बैच, BATCH, बैच। जब कोई लार्ज, बड़ी मात्रा में, क्वांटिटी में कोई चीज़ बनती है ना, तो वो बैचेस में बनती है। थोड़ी थोड़ी, एक दो पैकेट नहीं बनते, एक एक बैचेस में। वो बैच 100 पैकेट्स का भी हो सकता है, 200 का भी, ज़्यादा का भी हो सकता है। तो उसको बोलते हैं एक बैच। तो बैच का आ जाएगा यहाँ पे कैच एंड पैच, कैच। कोई चीज़ पकड़नी, कैच करनी, बॉल कैच करना, कोई भी चीज़। और पैच, पैच क्या होता है? कोई चीज़ फट गई हो तो उसकी जगह पर कोई चीज़ चिपकानी, तो उसको बोलते हैं पैच करा, PATCH, पैच। तो आपको देखे सारे राइमिंग वर्ड्स यहाँ पे क्लियर हो गए। डिच, किसी को धोखा देना। पिच, पिच ग्राउंड पे, क्रिकेट ग्राउंड पे होती है ना, जहाँ पे बैट्समैन खेलते हैं, उस पर्टिकुलर रेक्टेंगल शेप की होती है। यहाँ पे एक बैट्समैन होता है, यहाँ पे सेकंड बैट्समैन होता है, तो इस पर्टिकुलर एरिया को बोलते हैं पिच। रिच मतलब अमीर, टीच मतलब पढ़ाना, रीच मतलब पहुँचना, प्रीच मतलब किसी को सत्संग करना, कोई सत्संग जैसे लोग करते हैं ना, तो वो प्रीच करते हैं। मंच, आराम लेयरली मूड में कुछ चीज़ मुँह में चुबाना। लंच, दोपहर के खाने को लंच बोलेंगे। क्रंच, कुरकुरापन। बैच, जब कोई ज़्यादा अमाउंट में चीज़ बनती है तो उसको बोलते हैं बैचेस में ये चीज़ बन रही, बैच। कैच, पकड़ना। पैच, कोई चीज़ फट जाती है तो उसकी जगह पे कोई चीज़ चिपकानी, तो पैच, कोई भी, तो उसको बोलते हैं पैच। तो आज इस वीडियो में हमने कौन सा पेज किया है? 22। आई होप आपको समझ आ गई हो और सारे कंसेप्ट क्लियर हों।
तो आप अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। न्यू व्यूअर्स हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट करें, पुरानी वीडियोस सारा आप देखें, और अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको जब भी मेरी न्यू वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। टिल देन बाय बाय।